जय जिनेंद्रम। प्योर जेन में आप सभी का स्वागत है। जब खाना हो कुछ इनसेन तो सब्सक्राइब टू प्योर जेन। क्यों ना आज हम मंचूरियन से हटके एक नई रेसिपी बनाएं जो चौमासा में भी चल सके। इसीलिए आज हम बना रहे हैं वेज लॉलीपॉप। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यकीनन रेसिपी आपको पसंद आएगी। सबसे पहले स्टेज पर हम सूजी डो बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम 4 कप रवा ले लेंगे। ये रवा छाना हुआ रवा है। अब इसमें 3/4 कप मैदा ले लेंगे। आप यहाँ पे व्हीट फ्लार भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। डो को सॉफ्ट करने के लिए हम यहाँ पे गरम दही यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा दही को एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा दही डाल के हम आटे को गूंद लेंगे। हमें ध्यान रखना है आटे को हमें 5 से 7 मिनट अच्छे से गूंदना है ताकि ये काफ़ी सॉफ्ट बन जाए। अब हम स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 कप क्रश्ड स्वीट कॉर्न लेंगे, 1.5 कप मैश्ड रॉ बनाना लेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम बाइंडिंग के लिए बेसन का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो गीला हुआ पोहा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें हमारे सारे मसाले डाल देंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। आप इसमें स्वाद अनुसार हींग डाल सकते हैं। आपके पास जो भी गरम मसाला होगा वो भी आप इसमें डाल सकते हो। आप चाहे तो चिली सॉस भी डाल सकते हो और स्वाद अनुसार नमक डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अगर चिली सॉस डाल रहे हैं तो हम इसमें नींबू नहीं डालेंगे, वरना आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपका स्टफिंग रेडी हो जाएगा। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पतला लेयर वाइट डो का करेंगे, उसके अंदर हमारी स्टफिंग डाल देंगे और उसे अच्छे से पैक कर देंगे। अब हम कोई भी स्टीमर में सारे बॉल्स को अच्छे से 7 मिनट तक स्टीम कर देंगे। हमें इसे ओवर स्टीम नहीं करना है। इस तरह से स्टीम होने के बाद आपके बॉल्स दिखेंगे। अब हम इसे शैलो फ्राई या डीप फ्राई कर देंगे। हमें इसका गोल्डन कलर चाहिए, तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। इस तरह से आपके बॉल्स रेडी हो जाएंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, जिसके लिए हम 1 टीस्पून ऑयल लेंगे और उसके अंदर जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें टमाटो और कैप्सिकम डाल देंगे। अब हम इसमें जो स्टफिंग हमने पहले रेडी की थी वो डाल देंगे और उसे अच्छे से मैश कर देंगे। हमें ध्यान रखना है जिस तरह से पाव भाजी की भाजी मैश होती है उसी तरह से इसे मैश करते रहना है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें जेन सेजवान सॉस भी डाल सकते हो। अब हम इसमें पानी डाल के उसे अच्छे से पकाते रहेंगे। जो बॉल्स हमने पहले ही रेडी कर दिए थे अब हम उसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से पकाते रहेंगे। आप चाहे तो इसे ढक के भी पका सकते हैं। हमें उसे तब तक पकाना है जब तक सारी ग्रेवी और सारे बॉल्स एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल नहीं जाए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए 200 डिग्री पर बेक कर देंगे। इस तरह से आपके लॉलीपॉप्स रेडी हो जाएंगे। आप सैलेड के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।